हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आप कूलकॉम सीपीयू को मिरेकल बॉक्स में फ्लैशिंग कैसे करेंगे, और इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कूलकॉम के किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को आप मिरेकल बॉक्स से रीड कैसे करेंगे उसका फ्लैश फाइल, और उसका FRP अनलॉक कैसे करेंगे। तो फिलहाल मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कूलकॉम सीपीयू को फ्लैशिंग कैसे करेंगे मिरेकल बॉक्स से, तो और मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। और आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। और अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्लैशिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं और इस डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मिरेकल बॉक्स में जो है ये सारे के सारे जो प्रोसेसर है यहां पे सपोर्ट किया गया है इस बार, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेनेवो, LYF, वीवो, ये सारे सारे फ़ोन जो सपोर्ट किया गया है मिरेकल बॉक्स में। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एड वराइट फ्लैश EDL न्यू मोड फास्ट बूट सपोर्ट। तो दोस्तों EDL और क्या कहते हैं न्यू मोड के बारे में आपको शायद मालूम नहीं होगा, और फास्ट बूट के बारे में आप जानते होंगे। तो ये EDL मोड और न्यू मोड के बारे में आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके जरिए आपको फ्लैशिंग करके दिखाने वाला हूँ। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कस्टम फ्लैशर सपोर्ट। तो दोस्तों, कस्टम फ्लैश कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कूलकॉम रीड फ्लैश सपोर्ट। तो पांचवें नंबर पे आप देख रहे हैं कि कूलकॉम एड रीड फ्लैश मैनुअली मोड एंड मैक XML सपोर्ट। ठीक है, तो XML एक कोई फाइल होता है, उस फाइल को आप मैनुअल के जरिए से आप रीड कर सकते हैं, मैनुअल फ्लैशिंग के जरिए से आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो मैनुअल फ्लैशिंग क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअल फ्लैशिंग जो होता है वो RXTS में होता है। तो RXTS के जरिए से आप कूलकॉम सीपीयू को आप मिरेकल बॉक्स में रीड और राइट कर सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कूलकॉम एड फॉर्मेट एंड मैनुअली मोड सपोर्ट। तो दोस्तों, इसको भी आप RXTS के जरिए से आप कूलकॉम सीपीयू को फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सातवें नंबर पे कि एड रिमूव अकाउंट लॉक न्यू मोड सपोर्ट। तो दोस्तों, ये अकाउंट लॉक जो है, जैसे कि मान के चलिए FRP लॉक है तो वो FRP लॉक ही हुआ है, यानी कि अकाउंट लॉक। ठीक है, तो इसे भी आप न्यू मोड के जरिए आप इसका जो अकाउंट लॉक है या FRP लॉक है इसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, FRP रिसेट करने के लिए मैं आपको मिरेकल बॉक्स में नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी कूलकॉम सीपीयू का, चाहे वो LG का स्मार्टफोन हो, चाहे किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, उसमें अगर कूलकॉम सीपीयू है तो उसका FRP आप आसानी से मिरेकल बॉक्स से आप रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आठवें नंबर पे देख सकते हैं कि एड फैक्ट्री रीसेट न्यू मोड सपोर्ट। ठीक है, तो न्यू मोड में आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं कूलकॉम सीपीयू का। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके काम आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प करें। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये LYF का जो स्मार्टफोन है ये जो एंड्रॉयड पे रुका हुआ है, इसे हमें अभी मिरेकल बॉक्स में फ्लैशिंग करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन जो है एंड्रॉयड पे आकर के अटक गया है और इससे ना ही आगे बढ़ रहा है, और इसे हमें मिरेकल बॉक्स में फ्लैशिंग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस मोबाइल का जो बैटरी निकाल देना है, फिर लगाना है बैटरी मोबाइल में। उसके बाद हमें अपने कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर में जाना है, और डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हमें यहाँ पर पोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम पोर्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें अपना मोबाइल जो है मोबाइल में बैटरी लगा देना है, मोबाइल को ऑन नहीं करना है, और उसका जो वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस है दोनों को हमें एक साथ दबा के रखना है सेम टाइम। ठीक है, दबा के रखना है। उसके बाद हमें अपना जो USB केबल है इसमें इंसर्ट कर देना है।
तो जैसे हम अपना यूएसबी केबल इसमें इंसर्ट करेंगे वॉल्यूम दबा करके, तो इसका जो ड्राइवर है ऑटोमेटिकली हमारे डिवाइस मैनेजर में ले लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कूलकॉम यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मोबाइल है इस डिवाइस मैनेजर से बूट कर चुका है। उसके बाद हमें इस मोबाइल को रख देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कूलकॉम का जो यूएसबी ड्राइवर है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले उसे इंस्टॉल कर लेंगे यूएसबी ड्राइवर को, और अगर आपके पास नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने मेडिकल बॉक्स को जो है ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेडिकल टूल ओपन हो चुका है। चलिए हम यहाँ अपने कूलकॉम टूल को जो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इसके अंदर में भी चार तरह का टूल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले अनलॉक है, उसके बाद रिपेयर है, उसके बाद फ्लैशिंग है, उसके बाद रीड फॉर्मेट प्लेस है, ठीक है। तो हमें जो फिलहाल जो फ्लैशिंग करनी होगी आइडियल मोड से, तो हमें जो है फ्लैशिंग में जो है क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं आप यहां से भी पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहां से भी अपना जो है फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना जो सीपीयू का आईसी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट जाकर के फ्लैशिंग में भी जाकर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम जो डिवाइस मैनेजर में जो अपने मोबाइल को बूट कराए हैं तो उसको जो है हम यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बारे में बता दूं आपको दोस्तों कि ये जो मैनुअल फ्लैशिंग है इस पर मैनुअल पे हमें जो RSTX से फ्लैशिंग करना होगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें जो है फिलहाल अभी जो है EDL मोड में फ्लैशिंग करना है। तो हमें यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें अपना जो IC नंबर है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमारे मोबाइल का जो मान के चलिए कि 8909 IC नंबर है और लाइट मॉडम है, तो हम चलिए लाइट मॉडम को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आपका कूलकॉम CPU में चाहे कोई भी मोबाइल हो, एंड्रॉइड का चाहे वो LG का फ़ोन हो, चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, चाहे वो लावा का फ़ोन हो, उससे मतलब नहीं है। आपका कूलकॉम CPU हो तो आप उसका जो IC नंबर वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें EDL मोड में फ्लैशिंग करना है, तो चलिए हम फ्लैशिंग पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी जो है उसका पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपना IC नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है फ्लैशिंग को टूल को जो सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने जो पोर्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने जो IC नंबर था हमारा मोबाइल का उसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये कस्टम फ्लैशर है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं जो फ्लैशिंग करना है, राइट फ्लैश करना है, तो यहाँ पे चार तरह का जो फाइल है, जो फ्लैश फाइल हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, और ये चारों तरह का जो फ्लैश फाइल है हमें अपने फ्लैश फाइल से सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों तो हमारा फ्लैश फाइल जो है डेस्कटॉप पे पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। चलिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा LYF का जो फ्लैश फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। चलिए हमने इस फोल्डर पे क्लिक कर दिया। इस फोल्डर पे जैसे हमने क्लिक किया तो प्रोग्रामर फाइल जो है इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए अब यहाँ दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे हमें क्या सेलेक्ट करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ दूसरे नंबर पे हमने जो डेस्कटॉप पे अपना जो LYF का जो फ्लैश फाइल रखा है इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। यानी हम जिस फोल्डर में जो अपना फ्लैश फाइल रखे हैं उस फोल्डर को ही हमें सेलेक्ट कर लेना है पूरा पूरा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमें जो सेलेक्ट करना है फाइल, तो वो ऑटोमेटिकली ही जो फाइल दिखा देगा उसी फाइल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। और चौथे नंबर पे भी दोस्तों हम जब फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली ही जो ले लेगा, ठीक है। तो उस फाइल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो चारों को जो फाइल है, चारों फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सारा का सारा फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने फ्लैश फाइल से। उसके बाद यहाँ पे तीन तरह का बूट है दोस्तों, आप देख सकते हैं EDL मोड, न्यू मोड और फास्ट बूट, ठीक है। तो ये तीनों मोड में से आपको जो है EDL मोड को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और बाकी न्यू मोड और फास्ट मोड के बारे में आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आप फ्लैशिंग करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फ्लैश फाइल जो सारा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद EDL मोड पर हमने टिक लगा दिया, USB पे हमारा टिक ऑटोमेटिक लगा हुआ है, उसके बाद हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली जो है फ्लैशिंग होना शुरू हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस आप कूलकॉम CPU को अगर आप जब भी फ्लैशिंग करेंगे तो आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो कम से कम
75% जो आपका चार्ज होने चाहिए बैटरी, क्योंकि ये इसमें जो टाइम है काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम लगभग एक घंटे के तकरीबन टाइम लगता है इसमें, इसलिए आपका इसका जो इसमें जो बैटरी है आपके मोबाइल में कम से कम 75% चार्ज होनी चाहिए आपकी बैटरी, क्योंकि अगर बीच में आपका बैटरी अगर डाउन हो गया तो आपका फ्लैशिंग रुक सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वन क्लिक में जो है मिरेकल बॉक्स से इसका FRP कैसे अनलॉक कर सकते हैं कूलकॉम CPU का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी देख सके और सीख सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो अगली वीडियो YouTube पर अपलोड होगी तो वो FRP के संबंध में होगी कि आप कूलकॉम CPU का FRP कैसे अपने मिरेकल बॉक्स से अनलॉक कर सकेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।